तो गाइज आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉप 10 एंड्रॉयड ऐप्स। इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाएं और सब्सक्राइब करें चैनल को। सो गाइज वीडियो की पहली ऐप पे जाने से पहले अगर मैं आपको बता दूं, अगर आपको मेरे इस मोबाइल का ये लॉन्चर पसंद आ रहा है, इसकी व्यू पसंद आ रहा है, ये सेम गूगल पिक्सल लॉन्चर जैसा है बट ये काफ़ी बैटरी स्मूथ है उससे, तो अगर आपको ये सेम लुक चाहिए तो आप डाउनलोड करें लॉन्च एयर ऐप, जो कि गूगल प्ले पे अवेलेबल नहीं मिलेगी आपको। ये ऐप आपको गूगल पे जाकर डाउनलोड करनी पड़ेगी XDA डेवलपर से, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आपको ये लुक पसंद आई है तो गाइज इसको डाउनलोड करें। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके आइकन बिल्कुल गूगल पिक्सल जैसे हैं, यहाँ पे आपको जी साइन मिलेगा, उसके बाद आइकन्स और आप इसकी ऐप्स देख सकते हैं कि कितने स्मूथ हैं ये। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ ये वाला लॉन्चर। चलिए सबसे पहले चलते हैं अपनी पहली ऐप पे जो है फ़ोन पे वॉलेट। काफ़ी लोगों को ये ऐप पता होगी पर जिनको नहीं पता तो मैं बता दूँ, इस ऐप में जैसे अगर आप पेटीएम यूज़ करते हैं, अब पेटीएम ने क्या करा है, पेटीएम ने अपना 2% लगाना शुरू कर दिया है अगर आप अपना जो वॉलेट का पैसा है वो अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। बट फोन पे वॉलेट में ऐसा कुछ नहीं है, फ़ोन पे वॉलेट में आप अपना बैंक रिचार्ज करा सकते हैं, अपने बिल पे कर सकते हैं और अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 150 कैशबैक आपको फर्स्ट, जो आपकी फर्स्ट ट्रांजेक्शन होगी उस पर आपको 150 मिलेगा। उसके बाद इसमें भी ऑफर्स चलते रहते हैं पेटीएम जैसे, बट ये पेटीएम से बहुत ज़्यादा रिलायबल है। इसके अंदर आपको जो आप वॉलेट के अंदर पैसा होगा उसको अपने बैंक अकाउंट से लिंक करके प्रॉपर एकदम उसी टाइम सेंड कर सकते हैं और आपको कोई चार्ज एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। किसी को सेंड करना हो आप फ़ोन पे, अदर रजिस्टर्ड मेंबर पे फ़ोन पे नंबर पे सेंड कर सकते हैं या उनके अकाउंट में सेंड कर सकते हैं। तो ये पेटीएम से काफ़ी बेटर ऐप है और डेली यूज़ के लिए ये ऐप बहुत काम में आती है। आपका कहीं भी आप बैठे आपको क्विकली अपने बिल पे करना है, कुछ करना है, तो दिस इज़ द बेस्ट फॉर दैट। पेटीएम से काफ़ी बेटर है ये। सो गाइस जो दूसरी सेकेंड यूज़फुल ऐप है वो है उबर। बहुत से लोगों को ओला पता होता है पर उबर नहीं पता होता। उबर के अंदर ये बेनिफिट है कि उबर में आपको लोकेशन बेटर मिलेगी, अगर आप पूरा एड्रेस डालेंगे तो वो भी वो सर्च कर लेगा, जो कि ओला में नहीं करता। ऐसा आइकन है उबर का आप देखें और इस तरह की आपको ऐप मिलेगी। यहाँ पे आपने लोकेशन सर्वर ऑन करें, बेटर है कि अपना एड्रेस डाल दें, मैनुअली डाल दें, वो आपको डिटेक्ट कर लेगा। ओला से काफ़ी बेटर है। अगर ओला भी सेम है, अगर आपको ओला पे कभी राइड नहीं मिलती है, अगर वहाँ पे बुकिंग फुल है, तो आप यहाँ से उबर से बुक कर सकते हैं। तो गाइज जो तीसरी ऐप मैं आपके सामने दिखाने वाला हूँ वो है एम्पेयर। एम्पेयर ऐप बहुत ही यूज़फुल ऐप है। ये आपका करंट मेजर कर देती है, जब भी अपना आप फ़ोन चार्ज कर रहे होंगे चार्जिंग टाइम। ये क्यों यूज़फुल है, अगर आपको जो आपकी वोल्टेज है वो कम आ रही होगी तो आपका फ़ोन बहुत स्लो चार्ज होगा और ज़्यादा आ रही होगी तो आपकी फ़ोन की बैटरी ख़राब हो जाएगी। तो ये एम्पेयर ऐप, जैसे मैंने अभी अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं वो मेजर करने लग गया और जो करंट आना चाहिए वो होना चाहिए अराउंड 1500 mA समथिंग। तो अब देखते हैं कितना आ रहा है, जैसे कि 1530 आ रहा है तो एकदम एक्यूरेट करंट आ रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे चलता है। अगर इससे काफ़ी कम होगा लाइक 1000 आएगा तो मेरा फ़ोन स्लो चार्ज होगा, और अगर इससे काफ़ी ज़्यादा आ रहा होगा तो मेरे फ़ोन की बैटरी ख़राब होने के चांसेस हैं। तो हमेशा अपने फ़ोन का ध्यान रखें और हफ्ते में एक बार तो पूरा उसको 0 से 100 चार्ज करें ही करें। बहुत लोग होते हैं जो अपनी बैटरी प्रॉपर चार्ज नहीं करती हैं, जिस वजह से उनकी बैटरी हो जाती है ख़राब। आईफोन की बैटरी सबसे ज़्यादा लोग ख़राब करते हैं कि 20% में निकाली, 10% में निकाली, ऐसा ना करें। हफ्ते में एक बार फुल चार्ज करें और एम्पेयर ऐप से अपनी वोल्टेज मेजर करते रहें। तो गाइस जो फोर्थ यूज़फुल ऐप है वो है नियर बाय। बहुत से यंगस्टर यार सारे यंगस्टर बाहर घूमने जाते हो, बाकी लोग जितने भी अगर अपना डे आउट प्लान कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही एसेंशियल ऐप है। आप किसी भी कैफ़े या किसी भी होटल लॉन्च जाते हैं आपके काफ़ी हज़ार उड़ जाते हैं, 2-3 हज़ार तो ऐसे ही उड़ जाते हैं आजकल, तो आप नियर बाय ऐप डालें। इससे आपको सब रेस्टोरेंट की डील मिल जाएंगी, मोस्टली सारे रेस्टोरेंट यहाँ पे होते हैं। जैसे अगर मैं आपको ऐप का इंटरफेस दिखाऊँ तो ऐसा इंटरफेस मिल जाएगा आपको, 15% कैशबैक, डील्स के ऊपर भी कैशबैक आपको मिलते हैं। तो ये कुछ टॉप रेस्टोरेंट के दिखा रहा है, एक मैं वो खोल के दिखाता हूँ। जैसे द GT रोड जो कनॉट प्लेस में है, इसकी डील आ रही है, आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट डील्स आ रही हैं, आप कोई भी परचेज करें, ये नॉर्मल आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। इसके अंदर आप अपने लंच बुक कर सकते हैं, डिनर बुक कर सकते हैं, कोई भी एक्टिविटीज़ जो होती हैं जैसे स्मैश हो गया और किंगडम ऑफ ड्रीम्स, सबकी डील यहाँ मिल जाएगी। और आपने होटल बुक करना चाहें वो भी यहाँ से हो जाएगा। प्राइसेस बेस्ट ही मिलेंगे आपको, सबसे बेस्ट ही मिलेंगे आपको। नियर बाय ऐप डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस ये फिफ्थ जो है, मैं अब इसमें कोई सिंगल ऐप नहीं बताऊंगा, ये होगी एंटरटेनमेंट कैटेगरी के अंदर। मैं आपको सारी ऐप जो आपके डेली यूज़ में आएंगी एक करके सबके बारे में एक्सप्लेन करता जाऊंगा। सबसे पहले चलते हैं, अगर आपको कोई भी गाना सुनना है तो
तो आप डाउनलोड कर सकते हैं विंग म्यूज़िक ऐप या फिर जियो म्यूज़िक। जिनके पास जियो का फ़ोन है वो जियो म्यूज़िक कर लें, क्योंकि वो सिंगल ऐप में आप अपनी कॉलर ट्यून लगा सकते हैं, आप उसके अंदर डाउनलोड कर सकते हैं सॉन्ग कोई भी, और आपको तीनों कैटेगरी इंग्लिश हिंदी पंजाबी सब कैटेगरी के सॉन्ग वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे। विंग म्यूज़िक में थोड़ा गाना लेट अपडेट होता है, जैसे लेटेस्ट गाना अगर कोई भी आएगा थोड़ा सा लेट अपडेट होगा, बट जियो म्यूज़िक में वो बहुत जल्दी अपडेट हो जाता है। दूसरी जो ऐप है वो मैं आपको दिखाता हूँ, शज़ैम। शज़ैम में क्या होता है कि अगर आप कोई भी गाना आपने सुना और अगर आपको वो अच्छा लग रहा है तो शज़ैम आपको बता देगा कि वो सॉन्ग कौन सा है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं घर पे जाके या उसी टाइम। तो मैं आपको डेमो दिखाता हूँ इस ऐप का, जैसे कि अगर मैंने गाना प्ले करा, ये शज़ैम की ऐप है, इसको आप ओपन करेंगे बस आपको टाइप करना है और आपको वो सॉन्ग बता देगा। तो गाइस ये उसने शो कर दिया ट्रिपी ट्रिपी ऑफ सनी लियोनी, जो सनी लियोनी के फैन है उनके लिए मैं बताया था। लास्ट में गाइस बात करते हैं जो ऐप चाहिए होगी आपको डेली यूज में, वो है गूगल कैमरा। गूगल कैमरा जिनके फ़ोन में मैनुअल मोड नहीं है वो गूगल कैमरा डाउनलोड करें। आइकन शो कर देता हूँ मैं आपको, इस तरह का आइकन होगा गूगल कैमरा का, इसका डिटेल भी मैं बाद में बनाऊंगा, अब मैं सिर्फ ऐप का नाम बता रहा हूँ। इसके अंदर क्या होता है कि आप अपने फ़ोटो खींचते टाइम आप ISO सेट कर सकते हैं, फोकस सेट कर सकते हैं, उसके लिए बेस्ट ऐप है गूगल की है तो आपको पता ही है। और अगर आपने टाइम पास किया, इस टाइम सबसे ज़्यादा चल रही है लूडो किंग, लूडो किंग के अंदर आप मल्टीप्लेयर खेल सकते हैं, लूडो चार लोग एक टाइम पे खेल सकते हैं, काफ़ी टाइम पास ऐप है। अगर आप वेले हैं आपको कुछ काम करने को नहीं है तो डाउनलोड कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो जो है उसके अंदर मैं आपको सबसे यूनिक ऐप्स दिखाने वाला हूँ जो आपके बहुत यूज़ में आने वाली हैं। वो सारी डेली यूज़ की तो नहीं बट वो एक हट के फीचर्स के साथ आती हैं, बिल्कुल डिफरेंट फीचर होंगे उनके अंदर।